गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग निशा जी, गुड मॉर्निंग नोना. माय नेम इज़ गीतू, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. आई एम एक्चुअली शेयरिंग माय वेट लॉस जर्नी विद निशा जी. सो मुझे 5 महीने हो गए हैं निशा जी के साथ, एंड आई हैव लॉस्ट 11 किलोज़, लॉट्स ऑफ इंचेस. मेरा वेट स्लो था शुरू में, रिडक्शन एवरी मंथ इज स्लो, बट देर वॉज रीजन्स टू इट. मेरा एक ऑपरेशन हुआ बीच में, मेरा एक मुझे घुटने में प्रॉब्लम हुई, मेरे रिस्ट में कुछ गड़बड़ हो गई थी. तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बट बस मैंने निशा जी ने साथ नहीं छोड़ा, और एवरी स्टेप वो मुझे बताती रही कि भाई ये करो, ऐसे करो, वैसे करो. तो इट वॉज़ लाइक ऑल्टरनेट्स ऑप्शन देती रहीं. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एसोसिएटेड विद निशा जी. साथ में डाइट प्लान जिन्होंने मुझे दिया वो बिल्कुल घर में से था. कोई एक्सपेंसिव चीज़ें बाहर से नहीं बाय करनी थी, और एक्सरसाइजेस भी घर में करनी थी. मेरे साथ एक्सरसाइजेस का भी प्रॉब्लम था, तो मैंने शुरू में सिर्फ वॉक करी, उसके बाद कार्डियो किया, बट मैं फुल फ्लेज एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी बिकॉज ऑफ माई मेडिकल प्रॉब्लम्स. सो ओवरऑल आई एम सुपर सुपर हैप्पी कि मैं निशा जी के साथ अटैच हुई, और उनको फॉलो करके मैंने 11 किलोज़ वेट रिड्यूस किया, विच इज़ क्वाइट अ बिग अचीवमेंट. साथ में मैंने अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस बंद हो गई है मेरी बिल्कुल, जो मैं खाती थी, और साथ में मेरे थायराइड की मेडिकेशन भी बंद हो गई है, सॉरी नॉट बंद हो गई है, कम हो गई है. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड अचीवमेंट. सो ओवरऑल जो मैंने निशा जी से सीखा कि पॉजिटिव रहो, लगे रहो, कभी ना कभी धीरे सवेर आपका वेट ज़रूर रिड्यूस होगा. अगर आप कॉन्शियस हो अपने बॉडी को लेके, आप डाइट ठीक से फॉलो कर रहे हो, तो आपका वेट ज़रूर रिड्यूस होगा. सो जो भी मैम के फॉलोअर्स हैं और जो भी क्लाइंट्स हैं, सब ऑब्वियसली बहुत अटैच रहते हैं मैम से. तो मैंने अब क्विट कर दिया है प्रोग्राम से, बट मैं मैम से फिर भी अटैच हूँ, उनके फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे. रोज़ मेरी अब आदत हो गई है एक एक्सरसाइज करने की, एवरी डे आई डू एक्सरसाइज, एवरी डे आई ईट हेल्दी मील, और हाँ, लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस निशा जी फॉर योर ड्रीम, अचीविंग योर ड्रीम ऑफ ओपनिंग अ न्यू जिम. और उसमें आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ कराते हो, तो जितना भी आपको थैंक्स बोलूँ पॉजिटिवनेस के लिए, आपके रोज मैसेजेस के लिए, आपकी डाइट प्लान के लिए, आप हमेशा हमारी एनर्जी लेवल को बनाए रखते थे वेन एवर कोई डाउन होता था. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन हैविंग अ जिम, ऑब्वियसली इन श्रीगंगानगर. ऊपर से आप भगवान करे सब सिटीज़ में आपका एक जिम हो, साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी हो. तो आप ऑस्ट्रेलिया आओगे तो आप बिल्कुल मिलने आना, जब मैं इंडिया आऊँगी तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी, क्योंकि नाउ योर सेल्फ नोना, यू आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, क्योंकि आपने इतना प्यार और इतना हर चीज़ में असिस्टेंस दी है कि बस पॉजिटिव थिंकिंग इस के साथ सब कुछ हो सकता है. दैट्स व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम यू. सो कीप अप द गुड वर्क, कीप हेल्पिंग, कीप योर गुड नेचर, डोंट फॉरगेट मी. एंड मैं तो आपको कभी नहीं फॉरगेट कर सकती, बिकॉज दैट्स अ लाइफ टाइम थिंग फॉर मी. बट ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी, ऑल द बेस्ट टू योर सेल्फ, बाय. दिस इज़ फॉर यू, लव यू निशा जी. थैंक यू सो मच.